तो ऐसा ही एक पेशेंट था हमारे पास जो बोथ आई ब्लाइंड था, दोनों आँखों से उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था। और वो हमारे पास आया था, ऑपरेशन के बाद बोथ आईज में विजन आज के दिन पर 6/9, 6/12 है। आज हम बात करने वाले हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में सर्जरी के क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया नायक है और मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ वर्किंग एट एक्यूटा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ। तो आज हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है एंड उसको 20 ईयर्स से शुगर भी है, मतलब बचपन वाला शुगर है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में बता रखा है कि जो टाइप 1 डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी जो डिज़ीज़ होती है बहुत अग्रेसिव होती है, बहुत जल्दी बढ़ती है एंड ट्रीटमेंट से बहुत देर बाद असर दिखाती है। सो वी हैव टू बी अग्रेसिव इन आर ट्रीटमेंट एज वेल। तो ऐसा ही एक पेशेंट था हमारे पास जो बोथ आई ब्लाइंड था, दोनों आँखों से उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था। और वो हमारे पास आया था अपनी समस्या लेकर। तो हमने सबसे पहले उसमें डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन किया। इतना ज़्यादा खून था आँख के इस हिस्से में कि मुझे अपने ऑफ्थाल्मोस्कोपी से, जो मैं टेस्ट करती हूँ पर्दा देखने के लिए, मुझे पीछे का पर्दा दिख ही नहीं पाया क्योंकि इस बीच पूरा का पूरा खून भरा हुआ था, मेरी लाइट अंदर जा ही नहीं पा रही थी। तो फिर हमने अल्ट्रासाउंड करा और ये देखा कि पीछे का पर्दा भी थोड़ा बहुत उखड़ा हुआ है। तो अब ऐसे केसेस में हमें सर्जरी बहुत जल्दी करनी होती है क्योंकि अगर पर्दा उखड़ा हुआ है पीछे तो वो वक्त के साथ साथ और कमज़ोर होता रहता है। सो वी टुक हिम फॉर सर्जरी, फर्स्ट द राइट आई देन द लेफ्ट आई। तो सबसे पहले हमने राइट आई की सर्जरी करी, उसमें हमने खून निकाला। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि पीछे खून हटाने के बाद हमें दिखा कि पर्दा थोड़ा बहुत उखड़ा हुआ है। तो जहाँ पे उखड़न थी वहाँ पे हमने उस उखड़न को हटाया और पर्दा अपनी जगह पे जमा दिया। अब बारी आई नेक्स्ट आई की, लेफ्ट आई की। लेफ्ट आई में भी हमने सेम चीज़ करी, हमने पहले एक इंजेक्शन लगाया और फिर उसके बाद ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद बोथ आईज में विजन आज के दिन पर 6/9, 6/12 है, विच इज़ अ वेरी गुड विजन फॉर एनी वन हु सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हर केस ग्रेव या खराब होने की जरूरत नहीं है। बहुत केसेस जो हमें लगता है कि अग्रेसिव है बट बहुत बार वो बहुत अच्छे टर्न ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं एंड द पेशेंट बेनिफिट्स अ लॉट विद द विट्रेक्टमी सर्जरीज। तो आज देखते हैं उनके पिताजी का क्या कहना था इस बारे में। ये हमारा बेटा सावन है और ये हम बड़ौद के पास के रहने वाले हैं और हमने काफी बड़ौद भी काफी दिखाया। इसकी आंख में थोड़ी दिक्कत आ गई थी शुगर की वजह से, दोनों आंख में दिखने की प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर से हमें आंख से मिले और यहाँ से हमारा बच्चे का ट्रीटमेंट चला। तो इसमें इनके जो चेकअप करा तो चेकअप कराने में इनके पर्दे उखड़े हुए मिले। उसके बाद पहले हमने एक इसका आँख का ऑपरेशन ये लेजर करा या सर्जरी, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इनका विजन 6/9, 6/9 बहुत अच्छा।